Shiva children, hope you all are doing good. Welcome to your value education class. I am your LKG ma'am, and today's topic of learning is do's and don'ts while going to school in school bus. এর মানে হলো আমরা কি করা উচিত কি করা উচিত নয় স্কুল যাওয়ার পথে যখন আমরা স্কুল বাসে করে যাই। जब हम लोग स्कूल जाते हैं स्कूल बस में बैठ के, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इफ़ यू लिसन देन इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू, नॉट ओनली नाउ बट इट विल बी हेल्पिंग यू इन योर होल लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो अहेड एंड लर्न द डोंट्स एंड डूज। Let's start. Now you can see that Arya and Arjun, they are ready to go to their school. Like we all do, amra sokale uthe khub sundor bhabe ready hoye jai and we become very happy because we want to go to school. Tai to amra khub hashi khushi bhabe school e ashi, bahut khush ho jate hain jab hame school aana hota hai. Fir hamara school bus aata hai aur hum log chadh jate hain bus mein. Jo jo apne mummy papa ke sath aate hain wo alag baat hai, hum log to पूल कार में भी आते हैं, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ जो हमें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, ताकि हम पूल कार में आएँ या फिर बस में आएँ या फिर मम्मी पापा के साथ गाड़ी में आए, किसी में भी आए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा करनी चाहिए जब हम व्हीकल्स में ट्रैवल करते हैं। तो वही आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने आर्या और अर्जुन को देखा जो बिल्कुल रेडी हैं स्कूल आने के लिए एंड दे आर वेरी हैप्पी टू गो टू स्कूल। सो दे गॉट द बस एंड दे आर इन दिस बस। नाउ देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू व्हाइल वी आर इन द बस। सो लेट्स सी इन दिस पेज। दिस इज पेज नंबर 21 ऑफ ए वैल्यू एजुकेशन बुक and see what it is written. Say if the following statements are true or false. It is dangerous to leave the door of a moving vehicle open. This means, इसका मतलब है बहुत ही dangerous होता है जब हम लोग कोई भी गाड़ी चलते वक्त, क्या हम लोग कार का दरवाज़ा खुला रखते हैं, पूल कार का दरवाज़ा खुला रखते हैं? नहीं। बस का दरवाज़ा खुला रहता है? हाँ रहता है। तो वो बहुत डेंजरस होता है, तो हमें हमेशा ख्याल रखना है कि जब हम लोग किसी में भी ट्रैवल करें, हमें देखना है कि हम लोग बस के दरवाज़े के पास ना रहे। हम लोगों को दरवाज़ा बंद रखना चाहिए, कोई भी हो। अगर स्कूल का बस है तो स्कूल बस में जो कंडक्टर अंकल है उनको बोलना है, अंकल दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अगर हम लोग गाड़ी में आते हैं, कार में आते हैं, तो फिर वहाँ के पूल कार वाले अंकल को भी बोलना है बंद कर दीजिए। वो हमेशा बंद ही रहते हैं क्योंकि आप लोग तो स्कूल बेबीज़ हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं रहा, अगर वो भूल गए, तो आपको वो याद दिलाना है, खुला नहीं रखना है, बिकॉज़ वो बहुत डेंजरस होता है। दूसरी बात, स्टैंडिंग ऑन द फुट बोर्ड इज़ नॉट अ सेफ वे टू ट्रैवल। ये फुट बोर्ड जो है, जो बस में होती है, ये फुट बोर्ड कहाँ होती है? जिसमें हम पैर दे के बस के अंदर चढ़ते हैं, दे के बस के अंदर घुस जाते हैं। तो उस फुट बोर्ड में खड़ा, जैसे ये जो इंसान है, देखो ये खड़ा है यहाँ पे, तो ये फुट बोर्ड है, तो हमें इस जगह पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये डेंजरस है। कोई धक्का मारेगा तो हम लोग गिर जाएंगे। देखते हैं ना, हम लोग बस में हम लोग धक्का धक्की करते, तो कोई बेबी अगर पीछे से धक्का मार दिया तो क्या होगा? तो हम लोग गिर जाएंगे बाहर। तो ये तो गलत बात है, तो हमें फुट बोर्ड में खड़ा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखो क्या है, थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम और गेट इनटू अ मूविंग व्हीकल। इसका मतलब है हमें कभी भी चलते हुए किसी भी गाड़ी से, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो साइकिल हो, उतरना या फिर चढ़ना नहीं चाहिए। जैसे बस जब चलती है तो हम लोग क्या उससे उतरते हैं या उसके ऊपर चढ़ते हैं? नहीं चढ़ते ना। जैसे पूल कार वाले अंकल जब गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसमें चढ़ते हैं। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए। गाड़ी चलाकालीन आमादेर कोनो दिन होए बासे किंबा जे कोनो व्हीकल है, जे कोनो ट्रैवल व्हीकल है, उठा किंबा नामा उचित नय। इट इज़ वेरी डेंजरस। আরেকটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস যেটা আমরা দেখি অনেক বেবিজরাই করে, যেটা খুবই ব্যাড, উই শুড নট ডু দ্যাট বিকজ ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, দ্যাট ইজ ইট ইজ ডেঞ্জারাস টু কিপ আওয়ার হেড অ্যান্ড হ্যান্ডস আউট অফ দ্য উইন্ডো হোয়াইল ট্রাভেলিং।
তুমি দেখবে যখন তুমি ট্রাভেল করো, কন্ডাক্টর আঙ্কলরা বলে হাত ভেতরে করো, বাসের বাইরে হাত করো না, মাথা করো না, বলে তো। আমরা যখন গাড়িতে করে যাই মা বাবার সঙ্গে কারে করে, তখন মা বাবা বলে বাইরে হাত রেখো না, মাথা বাইরে করো না। কিংবা যখন আমরা স্কুটারে বসি, আমরা সবসময় হেলমেট পরি, আমরা খালি মাথাতে গাড়ি চালাই না। কেন? দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। কী হবে? তুমি বাবাকে হাতটা মজার জন্য বাইরে রেখেছো, মাথা বাইরে করেছো, পেছন থেকে একটা ভেহিকেল এসে তোমার হাতে ধাক্কা মারবে, তো তোমার হাতটা ভেঙে যাবে। সো দিস ইজ নট গুড, দিস ইজ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। সো হোয়েন এভার ইউ আর ইন দ্য বাস, হোয়েন এভার ইউ আর ইন আ ক্লোজড ভেহিকল, দ্যাট ইজ কার অর ট্যাক্সি অর পুল কার, কোনো দিনও হাত কিংবা মাথা বাইরে করবে না। দিস ইজ অলসো ভেরি ডেঞ্জারাস। সো দ্যার আর ফোর পয়েন্টস দ্যাট উই শুড নট ডু ওয়াইল ট্রাভেলিং ইন বাস অর এনি মুভিং ভেহিকল, ওয়াইল কামিং টু স্কুল অর গোয়িং এনিওয়্যার এলস। এটা আমি যেটা তোমাদের শেখাচ্ছি বাবা, এটা দিস ইজ নট ওনলি হেল্পফুল ফর ইউ ইন টুডেজ লাইফ, বাট ইট উইল বি হেল্পফুল টু ইউ ইন ইয়োর নিয়ার ফিউচার অলসো। সো লেট মি শো দিস টু ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন। So the four points that we should not do while traveling in a moving vehicle is, which is dangerous to leave the door of the moving vehicle open. আমাদের কোনো সময় কোনো মুভিং ভেহিকেলের দরজা খোলা রাখা উচিত নয়। ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো উচিত নয়। ইট ইজ নট সেফ অ্যাট অল টু স্ট্যান্ড ইন দ্য ফুটবোর্ড অফ আ ট্রাভেলিং ভেহিকল। দেন we should not try to get down from or get into a moving vehicle. And last one, it is dangerous to keep our head and hands out of the window while traveling. ei sob amader kono dino kora uchit noy. This is very wrong, very wrong. We should not do big no, should not do them. Now what are the things that we should always do while getting into school bus or getting into any moving school bus or public transport or anywhere? So these are the things that we should do, particularly when we are coming to school by school bus. Now see, what are they? We should follow the queue system while getting into and stepping out of the vehicle. আমরা যখন বাসে উঠি কিংবা নামি, আঙ্কলরা বলে তো লাইন করে ওঠো, লাইন করে নামো, উই শুড অলওয়েজ ফলো দেম। কোনো দিনও লাইন ছাড়া আমাদেরকে ধাক্কাধাক্কি করে ওঠা উচিত নয় গাড়িতে। ইট ইজ রং, উই শুড অলওয়েজ ফলো আ সিস্টেম, কিউ সিস্টেম ফলো করতে হবে, লাইন সিস্টেম ফলো করতে হবে, লাইনে করে বাসে উঠতে হবে, লাইনে করে বাস থেকে নামতে হবে। সেকেন্ডলি, উই শুড নট পুশ ইচ আদার ওয়াইল এন্ট্রিং ইন টু আর এক্সিস্টিং from the bus. Now what is this? এটার মানে হলো আমরা যখন বাস থেকে নাবি কিংবা উঠি, আমাদের কোনো সময় কাউকে ধাক্কা মারতে নেই। ধাক্কা মারা, পুশ করা, ই গলত বাত হে, উই শুড নেভার ডু দ্যাট। নেক্সট পয়েন্ট, উই শুড নট স্ট্যান্ড অন দ্য সিট অফ দ্য বাস। আমরা কোনো সময় বাসে সিটে দাঁড়াবো না, আমরা বসে থাকবো, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য সিট টু সিট, ইটস নট টু স্ট্যান্ড অর জাম্প। We should not play around a moving vehicle. যখন বাস চলছে, চলাকালীন আমাদের কোনো সময় কোনো মুভিং ভেহিকেলে দৌড়াদৌড়ি করা উচিত না। দেখবে সবসময় ড্রাইভার আঙ্কলরা বলে চুপ করে বসো, চুপ করে বসো, বলে তো। সো উই শুড অলওয়েজ ফলো দ্যাট। কোনো সময় খেলতে নেই। দ্যাট আর মেনি আদার থিংস দ্যাট উই শুড নট ডু, দ্যাট ইজ লাইক আমরা কোনো দিন বাসে যখন স্কুল বাসে যাই, আমাদেরকে চিল্লাচিল্লি করা উচিত না। উই শুড নট শাউট, চিল্লানা গলত বাত হে। সে কেউ হতো ড্রাইভার আঙ্কল হম লোক কি তরফ দেখেঙ্গে और चिल्लाते रहेंगे, बोलेंगे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उनको डिस्टर्ब होता है गाड़ी चलाने में, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। सो यू शुड नॉट डू दैट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नेवर डू इज इमरजेंसी एग्जिट, यू शुड नॉट टच दैट विंडो। सो इफ यू कैन मेंटेन दीज थिंग्स, दीज डूज एंड डोंट्स, देन यू बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट और अ चाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर वहीकल और बस। नाउ सी, अगर हम लोग ये सब करते हैं तो हम लोग जब स्कूल पहुँचते हैं, स्कूल में क्या होता है, स्कूल इज़ फन, इट इज़ ब्राइट एंड हैप्पी प्लेस। हम लोग बहुत खुश होते हैं जब स्कूल आते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पर हमारे दोस्त मिलते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, खेलते हैं, खाना शेयर करते हैं, टीचर्स होती हैं, मैम्स होते हैं, हमारे हमें पढ़ाती हैं, हमारे गलतियों को सुधारती है, हमें हेल्प करती है, फिर खेलती है हम लोगों के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग प्ले रूम में
बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, है कि नहीं? सो माई डियर चिल्ड्रेन, वी शुड ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल, वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स, वी शुड नॉट डू दीज थिंग्स, एंड देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी शुड ऑलवेज डू. सो आई जस्ट होप दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी टॉपिक दैट वी हैव कम थ्रू. एंड लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, और इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज दिस वन. यू ऑल नो दैट वी बिलोंग टू अम्मा. अम्मा शी इज़ आवर मदर हु हेल्प्स अस इन गोइंग थ्रू ट्रू पाथ ऑफ लर्निंग एंड एवरीथिंग. तो আমাদেরকে আরেকটা জিনিস শেখানো হয়েছে, সেটা হচ্ছে যখনই আমরা স্কুলে ঢুকি সবসময় স্কুলের প্রথম স্টেপ তাকে আমরা প্রণাম করি, জাস্ট দ্য ওয়ে দিস চাইল্ড ইজ ডুইং. উই শুড অলওয়েজ ডু প্রণাম. কেন? আমাদের স্কুলে ঠাকুর আছে, সি আম্মা ইজ দেয়ার. যখন আমরা প্রণাম করে ঢুকি আমরা আম্মাকে প্রণাম করছি, আর আম্মা আমাদেরকে কী দেবে? ব্লেসিংস দেবে, সো দ্যাট উই ক্যান ডু ভেরি গুড ইন আওয়ার স্টাডিজ, ইন ডে টু ডে লাইফ, অ্যান্ড বিকাম আ ভেরি গুড হিউম্যান বিং. So I just hope children, this is very easy topic and you have come through whatever I have told you. My dear parents, jebhabe porano hoyeche shebhabei poraben, but make it a more easy way of learning. Boshiye poranor theke better apni ghurie ghurie oderke storytelling er moton kore ei jinish gulo bojhaben. It will be easy for them to learn instead of getting or making them feel that this is a task that they need to learn. It's better that we tell them in a story form so that they can learn it in a better way. So I just hope it was very easy topic of learning and you all have understood what we need to do and what we should not do while going in school, going to school in a school bus. And once we reach school, what is the procedure, how we need to do pranam and then enter the school so that we can get the blessing and we can learn in a better way for that particular day. So wait for the next class. We will again come back with a new topic. Till then, be at home, be safe, and listen to your parents, my dear children. Om Namah Shivaya.